पास है, कम कर कुमार जी का ले लेते ना, कुमार जी कर लो, कुमार जी का जी ऑस्कर के लिए मम्मी को जब आपको ये बात चला तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या था उसको खबर सुन के क्या लगा आपको कि मेरी फिल्म ऑस्कर के लिए सपना साकार हुआ? जब मैं सिडनी में थी ऑस्ट्रेलिया में और जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और ये बहुत बड़ी बात है ऑस्कर तक पहुंचने की, ऑस्कर तक कंट्री की तरफ से एक मूवी जाने की, इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। तो टोगो कंट्री ने हमारी मूवी सेलेक्ट की फॉर सेंडिंग ऑस्कर टू फॉर ऑस्कर, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर। क्या ऐसी थी फिल्म में, कैसा था फिल्म में कि लोग सिडनी तक लोगों को, सॉरी ऑस्कर लोगों को पसंद आ गई फिल्म? मुझे लगती है स्टोरी इज अ हीरो और स्टोरी में बात थी, एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट था। एक जैसे बंजारा लोग जो होते हैं, जो दारू बनाते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं दारू बना के, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कि काफी लोगों की नजर में नहीं आया है अभी तक, तो उस पे ये मूवी थी। और सब लोगों ने, जो थिएटर के एक्टर्स थे इस मूवी में, तो उन लोगों ने इस मूवी को और एनहेंस किया एक्ट करके, तो ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी थी मूवी के लिए। एंड ऑफकोर्स डायरेक्शन एंड द एंटायर टीम एफर्ट, इट्स ग्रेट। जब आप फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जी, लगा था आपको इतने फेस्टिवल में जाएगी, इतने फेस्टिवल से सराही जाएगी, फिर ऑस्कर के लिए जाएगी, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल, ऐसा मैंने सोच के कभी भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा करती नहीं हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आता है तो आई डू इट विद माय मोर देन 100%, आई डू इट विद फुल ऑफ कन्विक्शन एंड फुल ऑफ पैशन। तो उसके साथ मैंने काम किया था और मैंने कुछ उम्मीद नहीं रखी थी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाएगी या इस तरह से रिलीज होगी या ऑस्कर तक जाएगी, तो वो कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। सिर्फ मैंने एक जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था वो मैंने पूरी ईमानदारी से और पैशन के साथ कंप्लीट किया था। अब क्या कर रहे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया है जिसका नाम है सैया और काफी ब्यूटीफुल म्यूजिक सॉन्ग है जो कि अभी फरवरी तक ऑन एयर होगा। प्लस मैं अभी एक मूवी कर रही हूँ, यहाँ अमीना बिकती है अगेन, और इसके अलावा मैं दो एक इंटरनेशनल मूवीज कर रही हूँ और जिसमें अगेन मैं एक लीड रोल कर रही हूँ। यहाँ अमीना बिकती है, सुना है बच्चन सर भी इस फिल्म में है, अभी ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी एवरीथिंग इज नॉट फाइनलाइज, इट्स ऑन अ वेरी बहुत ही बेसिक लेवल पे है, तो मैं कुछ भी इसमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि अभी जस्ट कीप इट अंडर रैप। तो इसके लिए तारा की बात करें जी, अब आगे तारा की, तारा ने बहुत कुछ जीत चुकी है ऑस्कर के लिए, लगता है कि और जैसे भी दिया जी आपने जिक्र किया आई थिंक चलता रहना चाहिए, एक जो सिलसिला है अगर कोई आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो आई थिंक वो हमेशा चलना चाहिए। इट डिपेंड्स कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली, इवन इफ यू वॉन्ट कि वो अब नहीं चले तो भी वो चलता रहता है वो सिलसिला। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जो पहली मूवी है अभी जो ऑस्कर तक की एंट्री जिसको मिली है तो वो अभी तक न्यूज में है, अभी तक फेस्टिवल्स में जा रही है, अभी तक उसे उसकी स्क्रीनिंग्स चल रही हैं, तो आई फील ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑस्कर के आगे आई थिंक आई लव मूवीज, माय पैशन इज मूवीज, तो अवार्ड्स आई डोंट नो बट आई मुझे मूवीज में एक्ट करना पसंद है, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन गुड मूवीज, सो आई डोंट नो ऑस्कर और दूसरे जो अवार्ड्स हैं, इट्स इट लाइक आर्टिस्ट फील गुड व्हेन शी और ही गेट्स एप्रिसिएशन, इट्स लाइक अ अवार्ड फ्रॉम द सोसाइटी, अगर लोगों को आपकी फिल्म पसंद आई तो इट्स द बिगेस्ट अवार्ड। थैंक यू।
तारा और ऑस्कर के ऑस्कर में एंट्री क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द फर्स्ट सेक्शन इन द मूवी यू केम टू द प्रीवियस यू नो द ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर? मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया. टू नो दैट योर मूवी इज गॉन टू ऑस्कर इज द बेस्ट न्यूज आई हैव एवर रिसीव्ड आफ्टर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर मी एंड आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी आई वॉज एंड दैट हैप्पीनेस एंड फ्रेग्रेंस आई एम स्टिल कैरिंग. अभी भी मेरे पास वो जो एनर्जी मिली थी ये न्यूज सुनने के बाद आज भी मेरे पास है. ओके, इस बात का कहीं दुख नहीं होता कि ये एंट्री अगर इंडिया से होती तो ज्यादा बेटर होता इंस्टेड ऑफ सम अदर कंट्री? इट कैन गो फ्रॉम एनी प्लेस. आपको 21st फ्लोर पे जाना है, आप सीढ़ी से जाओ या स्पाइडरमैन की तरह जंप मार के जाओ या लिफ्ट से जाओ, 21st फ्लोर पे आपको पहुंचना है, वहां हम पहुंचे. एंड दूसरी अच्छी बात क्या है, हम इंडियन कंटेंट को ऑस्कर में लेके गए हैं. हम दूसरी कंट्री का कंटेंट को नहीं, ये प्रॉपर इंडियन मूवी को ऑस्कर में लेके गए हैं. एंड इफ यू सी स्लमडॉग मिलियनर भी एक सेकेंड एक एग्जाम्पल है कि स्लमडॉग मिलियनर इज एज गुड एज अ इंडियन मूवी, बट वो भी गई थी. इन द सेम वे वी आर वेरी प्राउड. सिर्फ हमारा जाना जो द्वार है वो अलग द्वार है, बट हम पहुंचे उसी मकाम पे जहां जिस भी जो कोई भी मूवी पहुंचती है तो उसे इज्जत उतनी ही मिलती है. ओके, तारा से मुताबिक बहुत से अवार्ड्स मिल रहे हैं और एक ऑस्कर का एक और एंट्री जुड़ गई है. क्या उम्मीद की थी राजी आपने कि इतनी यहां तक इस हद तक मतलब ऊपर मकाम पे जाएगी फिल्म, इतनी कामयाबी मिलेगी? नहीं, आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था. हम लोग ने जब पिक्चर शुरू की थी तो सभी लोगों ने हमें डिस्करेज किया था कि वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर बना रहे हो पिक्चर, गए काम से, बंद कर दो इसको, कुछ थोड़ा सेक्स कंटेंट डाल दो, थोड़ा ये करो. तो ऐसी ऐसी राय मिलती थी, बट वी रिमेन्ड फोकस. हम लोग ने पिक्चर खत्म करने के टाइम में सिर्फ सोचा कि पिक्चर खत्म करनी है, रिलीज के टाइम सिर्फ रिलीज का सोचा. सो वी हैव बीन टेकिंग अ स्मॉल बेबी स्टेप वन एट अ टाइम एंड वी हैव सक्सीडेड. मैं आज की बात बता रहा हूँ, अभी 15 मिनट पहले पाकिस्तान से कॉल आया है. लाहौर में फिल्म फेस्टिवल है, उन्होंने हमारी वीजा तक का भी बंदोबस्त कर दिया है. वैसे पाकिस्तान की वीजा मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, बट दे हैव डन एवरीथिंग फॉर अस. इवन रेखा इज बीन इन्वाइटेड, इट्स ऑन 27th इन लाहौर. सो एंड देन देर इज अ फिल्म फेस्टिवल इन द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इट्स इन ईरान. वी दे आर रिक्वेस्टिंग अस टू कम डाउन. टूडे वेन वी आर टॉकिंग नाउ, अवर मूवी इज बींग शोन एट गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 16th वी हैव वन मोर फिल्म फेस्टिवल. सो लाइन लगी हुई है फिल्म फेस्टिवल्स की, इन्विटेशंस की, जो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. व्हाट नेक्स्ट आफ्टर तारा? यू नो सो मेनी रिकग्निशन, सो मेनी अवार्ड्स, व्हाट्स नेक्स्ट? एक हटके से पिक्चर बनानी है, बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट करके. हम पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है यहां अमीना बिकती है. इट्स अगेन ऑन वुमन, इट्स वुमन ओरिएंटेड मूवी, बट इस पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले स्टोरी जो है आफ्ताब हसनैन ने लिखी है, जो उर्दू का नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है, और ये प्ले हैज बीन टेस्टेड एंड प्ले ने काफी नाम कमाया है. नाम कॉन्ट्रोवर्शियल है मगर बहुत अच्छा प्ले है. उसमें हर आदमी का एक जमीर दिखाया जाता है और जमीर क्या कहता है आदमी को, तो इतना खूबसूरत प्ले है. तो उसे हमें ऐसे लेवल पे लेके जाना है विच अगेन गोज इंटरनेशनल. तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट दिस प्ले व्हेन इट इज फॉर्म्ड इनटू अ मूवी इट शुड रॉक एंड इट शुड नॉट ओनली गो टू ऑस्कर, इट शुड विन द ऑस्कर एंड कम बैक. सो दैट इज अवर प्रिपरेशन फॉर दिस टाइम फॉर गेटिंग अ ऑस्कर. यहाँ अमीना दिखती है, सिंपल प्लॉट है, 20 साल पहले की कहानी है. छोटी बच्चियों को अरब के साथ शादी करा, हम लोग अरब नहीं दिखा रहे, बस एक फॉरेनर के साथ शादी करा देते थे, और उस लड़की की जिंदगी, बस एक हफ्ते का हनीमून करके उनको छोड़ के जाते थे. उनके पेरेंट्स को कुछ 20-25 हज़ार मिलता था. तो ये एक लड़की अमीना की कहानी है, वो क्या करती है लास्ट में. ये दो कहानियां चल रही है, एक आज की अमीना और एक 20 साल पहले की अमीना.
तो ये 20 साल पहले वाली अमीना ने सुसाइड कर दिया और आज की अमीना क्या क्या कहती है और क्या करती है वो हम दिखा रहे हैं। इट इज अमेजिंग आज की लड़की क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है अपने राइट्स को लड़ने के लिए। ओके, स्टार कास्ट की अगर बात करी जाए, रेखा को यू रिपीटिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेखा, कोई खास वजह, यू नो शी वंस अगेन यू नो रियली रियली अमेजिंग। इसकी दो वजह है, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और सब हमारे पास लेके आना, उसमें इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वो प्ले कर चुकी है और ये राइटर को जानती है, उनके डायरेक्टर सबको जानती है, तो यही है जिसने मुझे और आफ्ताब हुसैन को मिलाया और इसने बहुत इंटरेस्ट दिया। तो एक तो प्ले उसने किया हुआ है, दूसरा हमारी जो जोड़ी है एज अ डायरेक्टर एंड द हीरोइन, इट हैज ऑलरेडी वर्कड वंस, सो वी वांट टू टेक इट वन स्टेप हायर, बिकॉज यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं एक ब्लैक कंट्री में वेस्ट अफ्रीका, एक वाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एक चिंकी कंट्री कुड बी थाईलैंड और चाइना, एंड देन देर आर सम शूट्स इन अबू धाबी। इनफैक्ट डे आफ्टर टुमारो आई एम लीविंग फॉर अबू धाबी फॉर लोकेशन फाइनलाइजेशन एंड रेकी। सो देर आर फोर कंट्रीज विच वी आर शूटिंग अब्रॉड एंड देन सो बहुत इंटरेस्टिंग है, वी वॉन्ट एंड दिस इज गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम, एंड हमारा मोस्ट लाइकली एक हॉलीवुड कंपनी के साथ टाई अप होने को जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, सो आई कैन नॉट टेल यू दिस, बट यहाँ अमीना के लिए वी वॉन्ट अगेन अ फॉरेन काउंटर पार्ट टू कम एंड हैव अ टाई अप विद अस सो दैट वी वंस अगेन एंटर ऑस्कर। Okay, who else is the part of the film? There are also rumors, there are also reports Mr. Bachchan or Irfan Khan will be the part of the film. The script is still lying with Irfan Khan. He has liked it, but we haven't received a yes so far from him because he is gone. He's very big now, and we still want him to come in. We want every person in the film industry wants to work with Amitabh Bachchan. So I would also love to work with him. Hopefully he's a part of our movie. I was with him yesterday in the Star Awards yesterday, and वहाँ पे भी उनको एक award मिला कल. Yes, I would love him to be a part of my movie. Okay, the last one. मैंने रेखा से पूछा था, आपसे पूछना चाहूँगा. अमीना की हम बात करते हैं और जब हम 15 साल की बच्ची की बात करते हैं और शेख के आपको उसका निकाह होता है, फिर वो कुछ मेहर की रकम देता है, चला जाता है. आपको नहीं लगता कहीं विवाद भी आमंत्रित होते हैं जब हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को छूते हैं या उनको एक्सप्लोर करते हैं या लोगों तक सच्चाई पहुंचाते हैं? विवाद दो किस्मों का है हिंदुस्तान में, एक जो पब्लिसिटी के लिए किया जाता है और एक जो जेन्युइन है। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर इंसान को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, तो लोग रखेंगे पक्ष और कानून एंड आवर सेंसर बोर्ड एंड थिंग्स आर देयर अपना ठीक करने के लिए, तो हम अपना काम करेंगे एज अ फिल्म मेकर। और जिसको ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही, एंड हमें उसको कन्विंस करना है, एंड बाकी तो आपने देखा है हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टुडे इन इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन इंडिया। मैं तो यंगस्टर्स को बहुत इंकरेज करता हूँ, इसमें आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जेंटलमैन, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, and thank you to the audience for making our Tara so successful, and please bless us that our next project Yahan Amina Bikti Hai does more wonders. Thank you very much.